नमस्कार, मैं हूं आप सबका मित्र प्रदीप रैदास। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल PSF दिव्यांग म्यूजिक स्टूडियो। इसका पूरा मतलब होता है परिवार शक्ति फाउंडेशन। दिव्यांग म्यूजिक स्टूडियो जबलपुर में आप सबका स्वागत है। आज हम आप सबको बताने जा रहे हैं राग यमन के विषय में। अभी तक हम बिलावल थाट की चर्चा कर रहे थे। बिलावल थाट जो शुद्ध थाट था अपने संगीत का, हम उसकी चर्चा कर रहे थे। अब बिलावल की चर्चा पूर्ण हो चुकी है और अब आएगी कल्याण थाट के अंतर्गत जो राग आते हैं उनकी चर्चा। बिलावल थाट के यदि कोई राग छूट जाते हैं तो उनकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन अभी आइए बिलावल थाट को छोड़कर अब कल्याण थाट के रागों की चर्चा करते हैं। तो राग यमन की चर्चा आज हम करेंगे। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सबको बताना चाहते हैं कि यदि आप नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। यदि आपके कोई विचार हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमारे दो टेलीग्राम चैनल हैं, पहला PSF स्किल डेवलपमेंट सेंटर इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक ट्रेनिंग सेंटर। जो भी आपको ट्रेनिंग के अंतर्गत पढ़ाया जाता है वो उस चैनल पर आपको मिल जाएगा। साथ ही यदि आप चाहते हैं कि संगीत से संबंधित पुस्तकें हमें मिल जाएं तो PDF फॉर्मेट में आप सबको मिल जाएंगी। इसके लिए विशेष संगीत शास्त्र टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। दोनों टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यदि आप अपने गीत और भजन हमारे YouTube चैनलों से प्रसारित कराना चाहते हैं तो हमारा दूसरा YouTube चैनल बुंदेली लोक माधुरी, उसे भी सब्सक्राइब करें जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही आप गूगल फॉर्म भर के हमारे व्हाट्सएप समूह बुंदेली लोक धारा समूह की सदस्यता ले सकते हैं। तो आइए अब आज का वीडियो शुरू करें। गुरुजनों से निवेदन है कि यदि हमारे वीडियो में कोई गलतियां आप सबको मिलती हैं तो हमें अवश्य मार्गदर्शन दें। आपके मार्गदर्शन से हमें बहुत लाभ होगा, साथ ही हमारे ज्ञान का प्रकाश और बढ़ेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। दोहा से शुरू कर रहे हैं। प्रथम प्रहर निशि गाइये गनि को कर संवाद, जाति संपूर्ण तीव्र मध्यम यमन आश्रय राग। राग विवरण। राग यमन, यह राग कल्याण थाट से लिया गया है। इसकी जाति संपूर्ण है क्योंकि इस राग में के आरोह अवरोह दोनों में सातों स्वरों का प्रयोग किया जाता है। इस राग में तीव्र मध्यम और सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। राग यमन का गाने बजाने का समय रात्रि का प्रथम प्रहर है। इस राग में वादी गंधार है तथा संवादी निषाद है। राग के आरोह और अवरोह एवं पकड़। सबसे पहले प्रस्तुत है
राग का आरोह। ये अवरोह है, आरोह अवरोह। एक बार फिर से सुनिए, अब पकड़ राग का आरोह अवरोह पकड़ हुआ। कई लोग इसे आरोह अवरोह को वैसा भी गाते हैं, जैसे कैसे गाते हैं आप ये भी देख लीजिए। कई लोग एक दूसरे प्रकार से भी गाते हैं, जैसे ऐसे भी गाते हैं कई लोग, ठीक है। तो ये भी सही है और वो भी सही है, हर प्रकार से सही है, ठीक है मित्रों। अब आइए इसकी विशेषताएं कुछ जान लेते हैं। पहली विशेषता यह है कि मुसलमानों ने इसे यमन या ईमन कहना प्रारंभ किया है, किंतु इस राग का प्राचीन नाम कल्याण है। अतः इस राग के दो नाम हैं, यमन या कल्याण। मित्रों, अगर इन दोनों रागों को, मतलब इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो एक दूसरा राग उत्पन्न हो जाएगा, जिसका नाम होगा राग यमन कल्याण, जिसमें दोनों मध्यम प्रयोग किए जाते हैं। यमन कल्याण में शुद्धमा केवल अवरोह में दोनों मध्यम, दोनों गांधार के बीच में किए जाते हैं। जैसे देखिए कैसे प्रयोग किया जाता है, मैं आपको बता रहा हूं।
ये प्रयोग किया जाता है। अन्य स्थानों में आरोह अवरोह दोनों में तीव्र मध्यम का ही प्रयोग किया जाता है, जो कि हम पीछे बता चुके हैं। दूसरी विशेषता यह है मित्रों कि यमन राग की चलन अक्सर मंद्रनी से प्रारंभ होती है और तार सप्तक से तीव्र मध्यम से तार सप्तक की ओर बढ़ते हैं, तो पंचम छोड़ देते हैं। जैसे कि मैंने पीछे बताया कि इस तरह भी गाते नी रे गा मा धा नी सा, है ना। तीसरी विशेषता है मित्रों कि कल्याण के कई प्रकार हैं, जैसे शुद्ध कल्याण, श्याम कल्याण, पुरिया कल्याण, जैत कल्याण और इत्यादि राग है, ताकि हम आगे अगर मिल सकेगा तो हम सभी का परिचय आप सबको दे देंगे, है ना। तो आज हम यमन का परिचय वैसे भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। इससे यह स्पष्ट होता है मित्रों कि ये कल्याण नाम शुद्ध है और प्राचीन नाम है ना। एक बार फिर से कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। मित्रों, यमन प्राचीन नाम नहीं है। चौथी विशेषता है मित्रों कि इसमें नी रे पा रे यह स्वर समूह बार बार प्रयोग किए जाते हैं। पांचवी विशेषता है कि कल्याण राग को आश्रय राग भी कहा गया है। इसका आशय यह है मित्रों कि जिस थाट से इसका जन्म हुआ है, उस थाट का नाम भी कल्याण ही है। इसका कारण यह है मित्रों कि राग के प्रचलन के बाद उसी समय बाद रागों को 10 भागों में बांटा गया है, जिन्हें ठाट या थाट कहा गया है, है ना। 10 थाट होते ना, बिलावल, कल्याण, खमाज, भैरव, पूर्वी, मारवा, आसावरी, काफी, भैरवी, तोड़ी, है ना। और प्रत्येक राग को किसी न किसी थाट पर रख दिया गया है। जिस समय थाट बनाए गए, उस समय यह समस्या उत्पन्न हुई कि इन्हें किन नामों से बुलाया जाए। मित्रों, फिर विद्वानों ने यह किया कि प्रथम राग में आने वाले किसी न किसी नाम से उस थाट का नाम रख दिया, जैसे कल्याण थाट से राग कल्याण, है ना, बिलावल से बिलावल, भैरव से भैरव, ऐसा रख दिया, है ना। मित्रों, कल्याण की प्रकृति जो है गंभीर है, यह छठवीं विशेषता है। छठवीं विशेषता, कल्याण की प्रकृति गंभीर है, एक गंभीर प्रकृति का राग है। इसमें छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, ध्रुपद, है ना, तराना, रजा खानीगत, मसीद खानीगत सभी गाए बजाए जाते हैं। सातवीं विशेषता है कि इस राग की चलन तीनों सप्तकों में समान रूप से होती है। मित्रों, कुछ राग ऐसे भी होते हैं जो केवल मध्य और तार सप्तक में गाए जाते हैं, किंतु कल्याण राग तीनों सप्तकों में समान रूप से गाया जाता है। न्यास के स्वर हैं सा रे गा पा नी। तो मित्रों, यह था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं, और यदि जो भी त्रुटियां हो तो हमें अवश्य
बताएं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। और हमारे सभी चैनलों को ज्वाइन करें, व्हाट्सएप चैनल भी है, उसे भी ज्वाइन कर लें। सभी चैनल हमारे ज्वाइन करें, आपको सभी जानकारी समान रूप से मिलती रहेंगी। और यूट्यूब चैनल को यदि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो बाद में अनसब्सक्राइब ना करें, क्योंकि फिर जो जानकारी हम देने जा रहे हैं वो शायद आपसे छिप जाएंगी। ठीक है मित्रों, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।